हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करें एक अपडेट के बारे में जो निकल के आ रही है लोकल ट्रेन से। तो आज की इस वीडियो में, जी हाँ दोस्तों, हम बताएंगे आपको प्रूफ के साथ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आम जनता के लिए सरकार किस प्रकार लोकल ट्रेन बंद करने वाली है। बहुत जल्द आपको इसकी नोटिस मिल जाएगी और सभी के लिए, यानी आम जनता के लिए सिर्फ लोकल ट्रेन बंद की जाएगी, बाकी जो इंसानशल सर्विस वाले हैं उनके लिए लोकल ट्रेन खुली रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप एक लाइक से हमें काफ़ी खुशी मिलती है कि आपने हमारे काम को पसंद किया और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आगे लेकर आते रहेंगे। तो बात करते हैं सबसे बड़ी, पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 7,800 नए कोरोना के मामले देखने को मिले और पिछले एक सप्ताह से लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार जो है लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर है। श्री उद्धव ठाकरे जी ने साफ साफ कहा कि इनकी मजबूरी है कि उन्हें लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साइड में मुंबई लोकल ट्रेन अपडेट्स में कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू बैन जनरल पब्लिक फ्रॉम यूजिंग लोकल ट्रेन्स, 2 मार्च की अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जनरल पब्लिक यानी सिर्फ आम जनता के लिए बैन वापस से लगेगा, जो 1 फरवरी से खुला था आप सभी के लिए कि आप 12 से 4 सफ़र कर सकते हैं, सुबह 7 से 4 से 7 सफर कर सकते हैं और रात के 9 बजे के बाद, यानी 3 टाइम टेबल के हिसाब से आम जनता के लिए जो है अनुमति मिली थी। लेकिन अब उस अनुमति को फिर से बैन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कोरोना के मामले निकल कर आ रहे हैं मनपा आयुक्त के द्वारा और जो नई नई रिपोर्ट्स आ रही हैं सरकार के द्वारा कि सारी जो जड़ है यानी कोरोना की, वो बताया जा रहा है कि लोकल ट्रेन है। जी हाँ, आम जनता ने तो काफ़ी कमेंट्स किए हैं कि वीडियोस के नीचे और काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि सिर्फ कोरोना लोकल ट्रेन से ही नहीं बढ़ता, BST की बसों से बढ़ता है, मार्केट प्लेसों से बढ़ता है और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सी जगहों से कोरोना जो है बढ़ रहा है। लोग बाहर से आ रहे हैं मुंबई में, कोई क्वारंटाइन नहीं हो रहा है, इन तमाम चीज़ों की वजह से। लेकिन सबका सब जो निशान जिसे हम कहते हैं सार है यानी सब चीज़ों का, उसे लोकल को ही कहा गया, यानी कि लोकल पे निशाना किया गया कि आम जनता जब से सफ़र करना शुरू की है तब से लोकल्स की वजह से कोरोना की रफ्तार महाराष्ट्र और मुंबई में दुगनी से हो गई है। BMC की तरफ से बयान आया जिसमें बताया गया कि एक दिन में 50 लाख से ज़्यादा लोग लोकल में सफ़र कर रहे हैं और इसी की वजह से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और पिछले सप्ताह 7,800 लोग बिना मास्क के पकड़े गए, यानी जो कोरोना के नियम का पालन नहीं करते, और सरकार उनके ऊपर अब सिर्फ जुर्माना नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है क्योंकि इनकी लापरवाही की वजह से लोकल में कोरोना फैल ही रहा है, लेकिन उसकी वजह से समाज में और मुंबई में काफ़ी हद तक कोरोना की जो है लहर बढ़ चुकी है और इसका खामियाजा सबको भुगतना हो रहा है। महाराष्ट्र के अन्य जिलों में लॉकडाउन को लगा दिया गया है, अकोला में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया, अमरावती में पूरी तरह से लॉकडाउन है, पूना में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, नासिक में जो है सख्त लॉकडाउन है, यानी कि कुछ कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह से जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब मुंबई की बारी है, उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन ना लगे, लेकिन जिस प्रकार से हालात हैं कि लोकल बंद हो सकती है।